ही नामांकित कर दिया गया है कि ग्रीन आतिशबाजी जो है हो रही है। बाकी पटाखे के ऊपर पटाखा, पटाखे के ऊपर पटाखा जो है ये छोड़ा जा रहा है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले अयोध्या एक बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर 15 लाख दीपक जलाकर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। यहाँ पर जो दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं वो उनकी संख्या जो है 15 लाख दीपकों की बताई जा रही है, और ये विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है जब कहीं किसी स्थान पर एक साथ 15 लाख दीपक जो है जले हैं एक साथ। बाकी उधर थोड़ी देर पहले अभी भव्य लेजर शो का आयोजन किया गया था। लेजर के माध्यम से ही, एलईडी लाइट के माध्यम से ही रामायण, राम पर आधारित रामायण की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। और अभी जो ये आतिशबाजी देख रहे हैं इसे ग्रीन आतिशबाजी का नाम दिया गया है, और यहाँ पर जो है भव्य आतिशबाजी जो है वो अयोध्या में की जा रही है। लगभग 5-7 मिनट से ये आतिशबाजी हो रही है, और अभी इस आतिशबाजी को पूरी तरीके से ग्रीन आतिशबाजी का नाम दिया गया है, और इसलिए दिया गया है कि इससे प्रदूषण नहीं होगा, नहीं तो कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है इसको बोलेंगे कि इससे जो है प्रदूषण होगा। हाँ, हालांकि धुआं निकल रहा है पटाखों से और कहीं ना कहीं, लेकिन इसका सबसे पहले नाम इसलिए दे दिया गया है कि कोई इसको प्रदूषण वाला जो है आतिशबाजी ना बोल पाए, इसलिए पहले ही नामांकित कर दिया गया है कि ग्रीन आतिशबाजी जो है हो रही है। बाकी अयोध्या में निरंतर आतिशबाजी जो है पिछले 5-7 मिनट से हो रही है, और उसका भव्यतम दृश्य आप इस वक्त देख पा रहे होंगे कि सरयू का जो पुराना पुल है उसके ऊपर से ये आतिशबाजी की जा रही है और निरंतर की जा रही है। बाकी दीप प्रज्वलन का कार्य वो 22,000 छात्राओं के माध्यम से 15 लाख दीपक जलाकर जो है वो इतिहास रच लिया गया है। वर्ल्ड गिनीज की तरफ से अभी थोड़ी देर में जो है अयोध्या को अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और 15 लाख दीपक एक साथ जलने के लिए एक नया सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अयोध्या का ये भव्य दृश्य और ये भव्य नज़ारा आप देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक युग की अयोध्या अभी किस तरीके की हो गई है, जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रीन आतिशबाजी की जा रही है और निरंतर की जा रही है। भारी तादाद में अयोध्यावासी जो हैं वो इस आतिशबाजी को देखकर यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं, और निरंतर जो 8-9 मिनट से यह आतिशबाजी की जा रही है। बाकी अभी भी दीप जो हैं वो कुछ दीपक बुझ चुके हैं, कुछ दीपक जो हैं अभी भी राम की पैड़ी, सरयू घाट, गुप्तार घाट पर जो है निरंतर जल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी जो है वो उद्घोषण भी और जो उनका संबोधन था वो भी खत्म हो चुका है। बाकी उनके संबोधन के बाद जो है रामायण का दृश्य जो है लेजर शो के माध्यम से दिखाने का जो है प्रयास किया गया, अब उसी पर आसमान में ये जो है भव्य आतिशबाजी का नज़ारा आप लोग देख पा रहे हो। सरयू घाट पर ये भव्य आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे के ऊपर पटाखा, पटाखे के ऊपर पटाखा जो है ये छोड़ा जा रहा है। और दीपावली से ठीक एक दिन पहले अयोध्या में जिस प्रकार का दीपोत्सव आज हो रहा है, कहीं ना कहीं ये स्वर्णिम दीपोत्सव है और एक नया इतिहास अयोध्या को मिल गया है, नया कीर्तिमान अयोध्या को मिल गया है। और आज सभी लोग अयोध्या के साथ साथ देश के तमाम राज्यों के लोग जो है सब लोग नर नारी सभी लोग खुश हैं, इसलिए क्योंकि जो 2022 की जिस प्रकार की अयोध्या में आधुनिक तरीके से आज दीपोत्सव का कार्य, लेजर शो का कार्य, लेजर लाइट का कार्य, फिर ग्रीन आतिशबाजी का कार्य किया गया है, उसको देखकर आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक की आधुनिक अयोध्या है। और तमाम लोग जो है यहाँ पर देखने के लिए उमड़े हुए, जनसैलाब उमड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से 15 लाख दीपक आज प्रज्वलित किए गए एक साथ, वो भी अपने आप में एक नया और नया इतिहास और एक नया कीर्तिमान था।